स्किन पर एज से पहले झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो गई या फिर आपके स्किन पर झुर्रियाँ हो रही हैं, तो इसे ख़त्म करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी नाइट टोनर, जिसे आप अपने स्किन पर अप्लाई करोगे, उसे लगाओगे तो आपको एक हफ्ते में ही बहुत ही इफेक्ट, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन फिर से टाइट हो जाएगी, आपके स्किन में रिंकल की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। स्किन अगर हमारे माथे पर, आंखों के नीचे, ज़्यादातर हमारे नेक पर, चीक के नीचे एरिया में ज़्यादा ही रिंकल की समस्या, उसके लिए हमारी स्किन यहाँ पे सिकुड़ने लगती है। और अगर आपको भी ये समस्या हो रही है तो जो नाइट टोनर मैं आपके साथ शेयर करूँगी आप उसे इस्तेमाल करिए। आप उसे इस्तेमाल करोगे तो आपको एक हफ्ते में ही बहुत अच्छा परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन फिर से टाइट होने लगेगी। लेकिन आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है और आप चाहो तो इसे दिन में भी अप्लाई करिए, लेकिन ये बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप इसे नाइट में सोने से पहले अपना फेस अच्छे से क्लीन करने के बाद ये टोनर अपने फेस पर लगाइए। कॉटन हाथ से नहीं लगाना है, आप चाहो तो डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हो अपने स्किन पर, नहीं तो आप एक साफ कॉटन ले लीजिए, कॉटन से डिप करके अपने फेस पर अच्छे से, जहाँ जहाँ आपको रिंकल्स की समस्या है, स्किन आपकी सिकुड़ गई है, तो वहाँ पे आप उसे अप्लाई करिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए, सूखने पूरी रात लगा रहने दीजिए और सुबह जब आप उठें तो अपना फेस ठंडे पानी से धुलिए, ठंडे पानी से, तेज पानी से आप छींटे मार के अपने फेस को धुलिए। आप देख टोनर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। तो आपको ले लेना है 2 चम्मच सौंफ, सौंफ का पानी जो है इसी से हम टोनर बनाएंगे। तो आपने इसके बेनिफिट्स सुने होंगे बहुत सारे, लेकिन स्किन टाइट करने में ये बहुत ही बढ़िया है, एक बहुत बहुत अच्छा टोनर जिससे तैयार होगा, जिससे कि हमारी स्किन बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी स्किन ढीली हो रही है, स्किन पे कसाव नहीं है, आपकी स्किन बिल्कुल लटकने से लगी है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये टोनर बहुत अच्छा है। और ये सौंफ का टोनर जो मैं आपको बताऊंगी, ये आपको एक हफ्ते में ही फ़ायदा करेगा और आपकी स्किन टाइट होने लगेगी। तो आप एक कप पानी में, मैंने 2 चम्मच सौंफ डाल दिया है और इसे मैं गैस ऑन कर दिया है, मैं इसे बॉयल करूंगी जब तक इसका पानी बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हमें इसे उबालना है। जब उबल जाए अच्छे से हमारा टोनर बिल्कुल रेडी हो जाए, सौंफ हमारी बिल्कुल पानी में घुल जाए, उसका गाढ़ा पेस्ट बन जा सके, तो उसी उतना ही आपको उसमें बॉइल्ड करना है और उसे घुमा दीजिएगा, एक दो बार आप घुमा दीजिए ताकि अच्छे से सौंफ जो है अच्छे से पानी में घुल के हमारा अच्छा सा टोनर तैयार हो सके। तो ये स्किन पे इतना फ़ायदा करता है, हमारी स्किन पे जो कसाव चला गया, हमारी स्किन जो ढीली पड़ गई है, और अगर आपकी एज से पहले ही अगर आपकी स्किन लगे कि आपकी स्किन को ढीली है, आपकी स्किन पे कसाव नहीं है, तो उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है ये, आप इसे इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने पे आप एक ही हफ्ते में देखोगे कि आपकी स्किन बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपकी स्किन पे बहुत बढ़िया कसाव सा आने लगा, आपकी स्किन टाइट हो रही है। तो इसे आपको क्या करना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो, उबालने के बाद इसे रख ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए अभी मेरा पानी ये गाढ़ा नहीं हुआ है, अभी इसे मैं 5 मिनट और बॉयल करूँगी। जितना आपको यूज़ करना है उसी हिसाब से आप टोनर बनाइएगा, उसी हिसाब से पानी ऐड करना है आपको। तो अगर आप इतना ही एक कप पानी में डालना एक कप पानी के हिसाब से बना रहे हैं तो उसमें आपको 2 चम्मच सौंफ डालनी है। और अगर आप ज़्यादा एक हफ्ते तो ये चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा 10-15 दिन के लिए अगर आप बनाना चाहोगे तो उसमें आपको 2 चम्मच और ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी सौंफ। तो 4 चम्मच आपको सौंफ ऐड करनी है और उसमें 2 कप आपको पानी ऐड करना है। तो उसी क्वांटिटी में आपको चीज़ें रखनी है जितने दिन के लिए आप उसे बना रहे हो। तो इसे ठंडा हो चुका है, मैंने रख दिया था इसे 20 मिनट के लिए, तो ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल है गरम। देखिए बिल्कुल जब तक आपका पानी बिल्कुल ठंडा ना हो जाए, जब तक आप इसे छानना नहीं है आपको, जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाए तो उसमें आपको ऐड करनी है 2 चम्मच शहद।
तो इकट्ठे आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके एक जब डालना है ताकि अच्छे से हमारे टोनर में घुल जाए शहद। और उस आप जब आप ये टोनर बिल्कुल तैयार कर लो, जब आप शहद डाल के बिल्कुल आपको टोनर तैयार हो जाए, तो आप चाहे तो किसी स्प्रे बॉटल में डाल के आप इसे रख लिए, नहीं तो आप चाहे तो आइस क्यूब आप फ्रीज़र में रख के आइस क्यूब बना के अपने फेस पे मसाज करके उससे अप्लाई करिए, आप जैसे आपको आपकी स्किन पे सूट करता हो। नहीं तो आप जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप कॉटन से भी अपने स्किन पे लगा सकते हो इसे। तो फाइनली मेरा टोनर जो रेडी हो गया है और आप इसे एक हफ्ते आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे बना के। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप फिर से इसी जैसे मैंने बताया है इसी प्रोसेस में आप फिर से इसे बना के और अपने चेहरे पे लगाइए। आपकी स्किन 100% मैं बता रही हूँ आपको 100% आपकी स्किन टाइट होगी और आपकी स्किन पे कसाव आएगा, जो आपकी स्किन पे ढीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।